टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अंबेडकर नगर गेट के पास ही पीने का पानी हजारों लीटर बर्बाद हो रहा है। स्थानीय समाज सेवक नितिन मोरे ने बताया कि कई महीनों से यहां पर पानी रास्ते पर बह रहा है। दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि पाइपलाइन फूटने की वजह से रात के समय जब पानी आता है तो इसी तरह से हजारों लीटर पानी रोड पर बहते रहता है। ये भी बताया नितिन मोरे ने कि यहां पर बिजली का केबल डालने का काम किया जा रहा था, उसके बाद ही जमीन के अंदर जो पानी की पाइपलाइन गई है उसके अंदर से जो है कहीं से पानी की पाइपलाइन लीकेज हो गई और तभी से यह पानी बह रहा है। पानी पुरोठा विभाग ने भी यहां पर कई जगह खुदाई करके जांच भी किया, लेकिन पाइपलाइन कहां लीकेज है ये पता नहीं लग पा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इसी तरह से हजारों लीटर पानी रोज बहता रहेगा, पीने का पानी इसी तरह से रोज बर्बाद होता रहेगा। समाज सेवक नितिन मोरे ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मैं नितिन मोरे। क्या यहाँ पानी कैसे नाले से निकल रहा था, क्या मामला? ये अम्बेडकर नगर में पाइपलाइन टूटा हुआ है, एक साल हो गया। सब अधिकारी को बोल के, अधिकारी भी यहाँ पर आकर गए, पानी पुरोठा विभाग के अधिकारी आकर गए, सार्वजनिक बांधकाम के आगे, लेकिन एक साल हो गया अभी तक यहाँ पर मसला सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे ये पानी बहते रहता है रोज रोज वॉल चालू करने के बाद? कितनी देर ये पानी बहता है? एक दो घंटा ये पानी ऐसा चालू रहता है, जब तक पानी बंद नहीं हो, पानी जब तक बंद नहीं हो पाए चालू रहता तब तक ये चालू रहता है। सब अधिकारी को बोल के परेशान हो गए, अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। लेकिन हुआ कहाँ है, कैसे पानी आखिर कहाँ से निकलता है? ये पूरा पाइपलाइन है वो टूट गया, कहीं तो लीकेज है और अधिकारी लोग को मालूम है तो भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। शिकायत वगैरह आपने किए थे? शिकायत की है, फेसबुक के ऊपर डाले, व्हाट्सअप के ऊपर डाले, सारे अधिकारी लोग सागर सालुंग के सहायक आयुक्त आकर गए, अपने शशिकांत सालुंग के साहब आकर गए, गोसावी साहब आकर गए, तो भी अभी तक कुछ मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो लोग, कुछ बन क्यों नहीं रहा है, क्या बता रहे हो? आजकल करने वाले फाइल बनाया है ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो पाइपलाइन गई है वो फूटा हुआ है? पाइपलाइन टूटा हुआ है। कैसे फूटा है इसके बारे में कुछ है जानकारी? कुछ यहाँ पे टोरन का काम चल रहा था उस टाइम कुछ टूटा हुआ है, लेकिन जहाँ पे टूटा है वहाँ पे ये लोग काम नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह खड्डा खोद रहे, ऐसा सब चल रहा है उनका।